समाजवादी पार्टी ने फजीहत के बाद मुलायम सिंह का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कर दिया। रविवार को जारी की गई लिस्ट में मुलायम सिंह का नाम नहीं था, जिसे लेकर दिन भर कई सवाल उठे। लिहाजा देर शाम पार्टी की ओर से नई लिस्ट जारी की गई, जिसमें मुलायम सिंह का नाम पहले नंबर पर रखा गया। यानी मुलायम सिंह यादव अब समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक बन गए हैं। स्टार प्रचारकों की इस पहली लिस्ट के सामने आने के बाद चाचा शिवपाल ने अखिलेश पर तंज कसा, तो बीजेपी को भी हमलावर होने का मौका मिल गया। अपने ही घर से बेदखल हो गए नेताजी, क्या बेटे की नजर में बेकदर हो गए पापा जी। एसपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से मुलायम बाहर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और तीन बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव अब अपनों के बीच ही बेगाने हो चुके हैं। मुलायम सिंह देश की सियासत का एक ऐसा नाम है जिनका विरोधी भी सम्मान करते हैं। 79 साल के हो चुके मुलायम सिंह पिछले 52 साल से चुनावी राजनीति में हैं। यूपी ही नहीं, देश की सियासत की भी उनकी धाकड़ पकड़ रही है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि समाजवादी सियासत ने अब उन्हें किनारे कर दिया है। बेटे अखिलेश को शायद अब पापा की जरूरत नहीं रही। नेताजी की उपेक्षा है, शुरू से ही उपेक्षा है। तो वैसे तो नेताजी चुनाव मैनपुरी से लड़ेंगे, हमारा पूरा समर्थन है। दरअसल मुलायम सिंह के विरोध के बावजूद अखिलेश यादव ने बुआ यानी बीएसपी अध्यक्ष मायावती से गठजोड़ कर लिया, जबकि दोनों पार्टियों के बीच पिछले 25 साल से 36 का आंकड़ा रहा है। मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए सीटों के बंटवारे में भी अखिलेश ने समझौता कर लिया। लेकिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट से मुलायम सिंह का बाहर होना हर किसी को हैरान कर रहा है। एसपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, लेकिन उसमें नेताजी का कहीं नाम नहीं है। स्टार प्रचारकों में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज से सांसद रही डिंपल यादव के अलावा पार्टी महासचिव आजम खान, जया बच्चन, राजेंद्र चौधरी और नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी के नाम शामिल हैं। हालांकि पार्टी ने मैनपुरी से मुलायम सिंह को लोकसभा के चुनावी मैदान पर उतारा है, लेकिन पिछले चुनाव में नेताजी की सीट रही आजमगढ़ से उन्हें बेदखल कर दिया गया है। आजमगढ़ से अब पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव में उतरेंगे। रामपुर सीट से पार्टी महासचिव और पार्टी के मुस्लिम चेहरा आजम खान अपनी किस्मत आजमाएंगे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। लंबे वक्त से इस पार्टी पर समाजवादी नेताओं का कब्जा रहा है, लेकिन 2009 में बीजेपी यहां कमल खिलाने में कामयाब रही थी। लेकिन 2014 में मुलायम सिंह ने यहां से चुनाव लड़ा और मोदी लहर के बावजूद जीत दर्ज की थी। एसपी बीएसपी के गठबंधन के बाद यूपी में चुनावी जंग बेहद दिलचस्प हो चुकी है। यही वजह है कि नेताजी से किनारा करने के मुद्दे पर बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है। पार्टी नहीं है, परिवार की सभा है। उस परिवार में कभी पिता पुत्र में फर्क आता है विचारों में, कभी चाचा भतीजे में फर्क आता है। मैं समझता हूँ उस पार्टी के मूल आधार में कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी के रूट्स के कारण वो पार्टी आगे खड़ी हुई है। लोहियावादी विचारधारा तो कहीं पीछे छोड़ गई है, अब मुलायम सिंह जी भी पीछे छूट जाएंगे। नेताजी के मुद्दे पर एसपी अध्यक्ष चौतरफा घिरे हुए हैं। हालांकि पिता पुत्र के बीच जंग यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त ही जग जाहिर हो गई थी और परिवार का झगड़ा चौराहे पर आ गया था। हालात इतने खराब हो गए कि विधानसभा चुनाव में एसपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बाद में चाचा शिवपाल यादव ने अखिलेश का साथ छोड़ दिया। हर तरफ से परेशान अखिलेश यादव ने बुआ जी से हाथ मिला लिया। हालांकि बीएसपी से गठबंधन को लेकर मुलायम सिंह खुश नहीं थे और सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। अब इन्होंने समझौता कर लिया है मायावती से, वो आधी आधी सीट है, आधी किस्मत के लिए चले गए, हमें बताते बताओ आधी के तादाद में। और उसने कहा साफ, मुलायम सिंह बात करते तो सामने आता, और लड़का बात कर लिया। लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी के सामने वजूद बचाने की चुनौती है। मुलायम सिंह को चुनाव प्रचार से दूर रखने के पीछे शायद उनकी नाराजगी है और खराब सेहत भी बड़ी वजह है। संसद सत्र के दौरान जो लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुके हैं, जिसको लेकर पार्टी मुश्किल में पड़ गई थी। मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य दोबारा फिर जीत जाए।
ये सकता है और तो ये भी चाहता हूँ हम ऊपर इतना जहाँ तो नहीं आ सकते हैं चावल से भी आप फिर बने चाहिए। बुआ के साथ मिलकर अखिलेश यादव जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन पिता से दूरी बनाना उनके लिए भारी पड़ सकता है। चाचा शिवपाल यादव पहले से ही सिरदर्द बने हुए हैं, साथ ही कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी को मैदान पर उतार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।